हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन काल में एक पौधा जरूर लगाएं। मंगल मीणा पोसालिया समीपवर्ती पालड़ी एम में एक व्यक्ति एक पौधा मिशन संस्थान शिवगंज द्वारा पौधा भेंट पद्धति अभियान के तहत पौधा मिशन संचालक पर्यावरण प्रेमी ओम प्रकाश कुमावर शिवगंज अरठवाड़ा पहुंचकर ओम श्री गजानंद सेवा समिति अध्यक्ष व गौ भक्त मंगल मीणा को जन्मदिन पर पौधा भेंट कर पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही पर्यावरण प्रेमी ओम प्रकाश कुमावत ने बताया कि मंगल मीणा हमेशा गायों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। कई वर्षों से बेजुबान पशुओं की सेवा में लगे हुए हैं। सड़क दुर्घटना में घायल पशुओं को किसी भी वक्त अपनी टीम के साथ गौशाला पहुंचाने में तत्पर हैं। गवर्नमेंट के पास और टोल कंपनी के पास पशु एम्बुलेंस नहीं है, फिर भी वो अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को मिशन द्वारा जन्मदिन पर पौधारोपण करवाना उसके हाथों वास्तविक सकारात्मक कार्य है। वही टीम द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर पौधा मिशन द्वारा ओम श्री गजानंद सेवा समिति पालड़ी एम कार्यकर्ताओं को पर्यावरण संरक्षण के साथ गौवंश की रक्षा संकल्प लिया। गौ भक्त मंगल मीणा ने बताया कि पौधा मिशन संस्था शिवगंज द्वारा पालड़ी एम सबसे अधिक पौधे पूर्व में लगाए थे, उनकी अच्छी ग्रोथ हुई है, पूरे ग्राम वासियों का सहयोग रहा। वही गौ माता की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लोग कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो कोई घायल अवस्था में सड़कों पर मिले हैं। उनकी रक्षा के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा, तब तक हम गौ माता की सेवा कर पाएंगे। वही पशु एम्बुलेंस का अभाव है, सेवा के कार्य में कठिनाइयां तो हो रही है, पर हम कामयाब अवश्य होंगे। टोल कंपनी केंद्र सरकार राज्य सरकार को एक दिन पशु एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवानी ही पड़ेगी। कार्यक्रम के दौरान मिथुन मीणा ने हर घर से हर गांव से एक व्यक्ति को पौधारोपण के साथ साथ गौ माता की रक्षा हेतु आग्रह किया। भवरलाल ग्वाला, नेपाल सिंह देवड़ा, टीमा राम मेघवाल, भवर राणा, संजय कुमार, अंत में मीणा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए आम जन से अपील की कि जन्मदिन, पुण्यतिथि, शादी समारोह, सार्वजनिक शमशान भूमि, पशुओं के बैठने का स्थान, जंगलों में अधिक से अधिक पौधारोपण कर प्रकृति संरक्षण में सहभागिता निभाएं। हो सके तो जीवन काल में एक पौधा जरूर लगाएं। जागरूक टीवी की पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।